बारिश का मानसून आने से जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार बारिश से आम जनजीवन प्रभावित हो गया है और कुछ स्थानों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिससे निपटने के लिए आपदा चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है। हरिद्वार में लगातार बारिश से हाल बेहाल हो गया है। मानसून के दस्तक के साथ ही नदी नाले उफान पर पहुंच गए हैं। वहीं गंगा नदी से सटे गांवों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है, जिसको देखते हुए जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने सभी बैराज और आपदा प्रबंधन की चौकियों को अलर्ट कर दिया है। जिलाधिकारी ने बताया कि लक्सर और खानपुर ब्लॉक में सोलानी और बाणगंगा नदियों का जलस्तर बढ़ने से नदी से सटे गांवों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने की आशंका है, जिस कारण लोगों को वहां से शिफ्ट करना पड़ सकता है। उनको एक्टिवेट हम लोगों ने पहले भी कर दिया है और हरिद्वार में थोड़ी सी पिकुलर एक समस्या क्या है कि लो लाइंग क्षेत्र है और जलभराव की समस्या ज़्यादा आ जाती है, तो ऐसे दशा में लोगों को तत्काल कहीं शिफ्ट करने की आवश्यकता पड़ सकती है। जब जल स्तर बढ़ जाए, नहरों के ऊपर से पानी ओवरफ्लो होने लग जाए, तो उसके लिए हम लोग अपनी एक दीर्घकालिक योजना हम बना रहे हैं। शहर में जहाँ जहाँ पे जल भराव की स्थिति हुई थी, जैसे आपका रानीपुर मोड़ में जो मेन समस्या आती है आपकी, उसकी रूपरेखा हम लोग तय कर रहे हैं और कनखल की तरफ जो जल भराव हुआ था, रुड़की की तरफ जो जल भराव हो रहा है, उसका स्थायी समाधान ढूंढने की कोशिश कर। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।